हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं ग्रेड 5 लुकिंग अराउंड साइंस का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस डिस्कस कर रही हूँ। तो सेंसेस तो हम सबको मालूम है, सेंसेस क्या होता है, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, समझते हैं, उसके सिग्नल्स रिसीव करते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं उसके सिग्नल रिसीव करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल वर्ल्ड सभी में ये सेंसेस होती है। मोस्टली 5 सेंसेस होती है, हियरिंग, टेस्ट, साइट, टच और स्मेल। हियर करते हैं हम ईयर से, टेस्ट करते हैं माउथ या टंग से, साइट के लिए आइज होती है, टच के लिए स्किन और स्मेल के लिए होता है नोज़। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कस किया गया है, तो चलिए देखते हैं। तो हाँ, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी ईगल जो है हमारा खाना ले जाती है। कैसे ले जाती है? क्योंकि उसकी आईज़ जो है वो बहुत शार्प होती है। जो हम चींटी होती है कहीं खाना गिराते हैं तो लाइन से बना के आके खाना ले के जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही शार्प होती है। कुत्ता जो है सोया होता है, लेकिन फिर भी हम धीरे से उसके पास से निकलते हैं, फिर भी उसको मालूम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हियरिंग की जो सेंस है और स्मेलिंग की जो सेंस है वो बहुत ही शार्प होती है। तो एंट्स का यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो, ये खाना लेके जा रही है एंट्स। तो एनिमल वर्ल्ड में भी ये सारी सेंस होती है, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और फील की। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 2। तो एक एंट है, वो दूसरे अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करेगी? तो एक एंट दूसरे फ्रेंड को, उनकी एक स्मेल होती है। एक ग्रुप का जो एंट होता है वो पर्टिकुलर स्मेल का केमिकल रिलीज करते रहते हैं, जिसको स्मेल करके वो एक दूसरे को पहचानते हैं। दूसरे ग्रुप की जो एंट होगी उसका जो केमिकल होगा, स्मेल होगा, वो डिफरेंट होगा, उससे वो पहचानते हैं कि ये डिफरेंट ग्रुप की एंट है। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चंस के आंसर हमको मिल गए। हाउ डिड द एंट नो दैट अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? तो कैसे मालूम पड़ता है? स्मेल की सेंस से मालूम पड़ता है, या सेंस ऑफ स्मेल से मालूम पड़ता है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? तो जो चींटी का घर होता है उसके बाहर एक गार्ड होता है, गार्ड चींटी बोलेंगे उसको। तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगी कि ये हमारे ग्रुप की एंट है या नहीं? तो स्मेल से। अब हम कुछ भी मीठी चीज़ गिरा देते हैं नीचे ज़मीन पर, तो हमको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि एंट आती है तो कितने टाइम के बाद आती है। तो पहले एक एंट आती है, सारा ग्रुप एक साथ आता है, वो हमको देखना है। फिर एंट क्या करती है? पहले स्मेल करेगी, टेस्ट करेगी, थोड़ा घूमेगी उसके आजू बाजू, फिर उसको लगेगा तो दूसरी एंट को बुला के लाएगी। फिर धीरे धीरे पूरी एंट लाइन बना के आएगी और वो खाना जो है वो वहाँ से धीरे धीरे पीसेस में लेके जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करके देखना है कि एंट का बिहेवियर कैसे होता है। कुछ भी खाना गिर जाता है नीचे ज़मीन पर तो एंट कैसे उसको सेंस करके लेके जाती है। नेक्स्ट थर्ड पेज पे देखते हैं। तो अगर हम जो एंट चल रही है लाइन से, उसके पाथ को अगर हम ऐसे ब्लॉक कर दें या लाइन बना दें या हाथ से थोड़ा सा घिस दें, तो एंट क्या करेगी? तो क्या हो जाता है, उसका केमिकल जो है वो निकल जाता है। तो थोड़े देर के लिए एंट यहाँ वहाँ घूमेगी, फिर थोड़ा टर्न होके वापस वो केमिकल को समझेगी और उसी लाइन में वापस थोड़ा सा पाथ चेंज करके फिर नया पाथ बना के वापस उसी लाइन में जुड़ जाएगी। तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया, क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो सेंस ऑफ स्मेल होती है चींटी में वो बहुत स्ट्रांग होती है और वो एक साथ इसीलिए लाइन में चल सकती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया एंट वाला। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मस्कीटो। मस्कीटो का कैसे होता है? मस्कीटो भी स्मेल को सेंस करता है। मस्कीटो जो है हमारी ह्यूमन बॉडी की सेंस को, स्मेल को सेंस करता है और हीट को सेंस करता है। हमारी बॉडी थोड़ी सी गर्म होती है, उसको भी सेंस करके मस्कीटो रात को हमारे पास आके हमको बाइट करते हैं। मस्कीटो एक दूसरे को भी उनकी स्मेल से पहचानते हैं। तो इस तरीके से स्मेल इंसेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
डॉग का कैसा होता है, तो डॉग तो आपको पता ही है, डॉग हमेशा देखोगे तो आप पेड़ पे, बिल्डिंग पे, कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा यूरिन करते रहते हैं। तो डॉग क्या करते हैं, अपनी एरिया को मार्क करते हैं कि ये मेरा एरिया है। इस तरीके से जब दूसरा डॉग एंटर होता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं दूसरे डॉग के एरिया में आया हूँ। तो डॉग का ऐसा बिहेवियर होता है। इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। तो हम ह्यूमन बीइंग जो है वो डॉग की ये स्पेशल सेंस की जो एबिलिटी है वो कैसे यूज़ करते हैं। तो डॉग जो है वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे एयरपोर्ट में या ट्रेन में, सिक्योरिटी में, पुलिस फोर्स में डॉग्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जो कि हैजार्डस केमिकल्स है या बॉम्ब है वो सेंस कर सकते हैं और पता लगा सकते कि यहाँ पे कुछ गलत चीज़ है या कोई गलत इंसान है यहाँ पे। तो इंसानों की स्मेल भी डॉग समझ सकते हैं, तो चोर की स्मेल या कोई गलत इंसान की स्मेल हो वो भी वो समझ सकते हैं। तो इस तरीके से डॉग को हम सिक्योरिटी फोर्सेस में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। तो हमारी सेंस ऑफ स्मेल हमें कब यूज़ होती है, तो देखो जैसे कोई भी खाना है वो ख़राब हो गया है तो उसकी गंदी स्मेल आएगी तो हम नहीं खाएंगे। कहीं जल रही है कोई चीज़ है तो हमको स्मेल आएगी तो हम जल्दी से जाके उसको बुझाएंगे, आग बुझाएंगे या उसको ठीक करेंगे। तो इस तरीके से सेंस ऑफ स्मेल हमें बहुत काम आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द एनिमल दैट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। तो एंट है वो ज़्यादातर, मस्कीटो है, एंट है, इंसेक्ट्स हैं, वो स्मेल से ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को और देख नहीं सकते वो इतना, पर स्मेल से ज़्यादा समझते हैं। तो हमें ये टेबल कॉलम भरना है कि आई लाइक द स्मेल ऑफ एंड आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ। तो आई लाइक द स्मेल ऑफ में क्या हो सकता है, फ्लावर की स्मेल, सेंट की स्मेल, फिर जो शैम्पू प्रोडक्ट्स आते हैं, सोप शैम्पू, उसकी स्मेल, ये सब किस में आई लाइक द स्मेल ऑफ में आएगा। एंड आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ में क्या क्या आएगा, तो आएगा रॉटन फूड, फिर सॉक्स, गंदे गारबेज, जली हुई चीज़ें, कहीं फायर है उसकी स्मेल, तो ये सारी चीज़ें द स्मेल विच आई डोंट लाइक में आएगा। सो इस तरीके से ये स्मेल जो है वो हमें ह्यूमन बींग्स में भी यूज़फुल है। तो नाउ अब हमें क्या देखना है, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल हुज़। तो यहाँ पे जो हमारे कोई कोई फैमिली मेम्बर है उसके भी स्मेल आती है, फिर जो छोटा बेबी होता है उसको नैपी साफ करो तो उसकी भी स्मेल होती है, उसके यूरिन की, उसके पॉटी की। तो इस तरीके से स्मेल से हम बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छी है, बुरी है, डेंजरस है, नहीं है डेंजरस, बहुत टेस्टी यम्मी सा फूड है या बहुत ही सड़ा हुआ फूड है, जो भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हम हमारे आसपास जो है वो स्मेल से स्मेल से सेंस कर सकते हैं और उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस पूरे का मैंने एक समरी बनाया है तो देख लेते हैं लास्ट में। तो सेंस कितने हैं हमारे, 5 सेंसेस हैं जैसे मैंने बताया था आपको, तो ये सारे 5 सेंसेस हैं। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में अभी सेंस ऑफ स्मेल को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। तो सेंस ऑफ स्मेल एंट में क्या करता है, रिकॉग्नाइज दूसरे एंट के ग्रुप को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है, दे मूव इन अ लाइन और दे सेंस द फूड, ये 3 चीज़ एंट करती है सेंस ऑफ स्मेल से। डॉग क्या करते हैं, अपने एरिया को मार्क करते हैं और हम जो है उनको एयरपोर्ट पे और सिक्योरिटी इसमें यूज़ करते हैं। मॉस्किटो एक दूसरे को अपनी स्मेल से फाइंड करते हैं और ह्यूमन बॉडी को भी वो स्मेल से फाइंड आउट कर देते हैं। और ह्यूमंस में कैसे स्मेल होता है, तो हम फूड गुड और बैड स्मेल में डिफरेंस कर सकते हैं और ये गुड और बैड स्मेल से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सही चीज़ है या नहीं है। तो इस तरीके से सारी सेंस ऑफ स्मेल्स जो है वो सारे एनिमल्स में, ह्यूमंस में इस तरीके से अलग अलग तरीके से काम करती है। आई होप आपको ये चैप्टर का ये पेज नंबर 1-5 जो है वो समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।